और लखनऊ में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि देश में परिवर्तन का रुझान है और जनता परेशान है। वहीं चुनाव प्रचार के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि जब सभी पार्टियां प्रचार कर थक जाएंगी तब वो प्रचार करेंगे, जनता की परेशानियों को सुनेंगे। वहीं पुलिस की चोरी करने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि पुलिस कर्मी खुद चोरी की वारदातों में शामिल हो रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो डीजीपी भी जिम्मेदार है। कहेंगे कि परिवर्तन का रुझान है क्योंकि जनता बहुत परेशान है। हम ये चाहते थे कि और लोग रैली कर कर के थक जाएं तब हम लोग प्रचार करें। क्योंकि गठबंधन हुआ है तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में तारीख जब आ जाएंगी, कितने चरणों में चुनाव होगा, चरणों के हिसाब से कार्यक्रम भी तय कर लेंगे, जिससे कि जनता में जाने का मौका मिले और जनता से अपील करने का मौका मिले और जो जनता परेशान है उसे परिवर्तन का मौका मिले, वो हम लोग काम करेंगे। ये पहली बार हुआ है कि जहाँ पुलिस ही पकड़ी गई चोरी करते हुए, सोचो कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। सरकार को तो जवाब देना चाहिए, पुलिस चोरी खुद कर रही है, चोर बन गई पुलिस। किसी प्रदेश में ऐसा हो रहा होगा बताओ हमें? और पूरे दुनिया में कहीं नहीं हो रहा होगा क्या? एक जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधि को 21 जूते की सलामी।